ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खोहर के गुरुद्वान पूर्वा में बड़े धूमधाम से मनाया गया माँ जगराता। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम माँ की आरती से उनका पूजन अर्चन किया गया। लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल दिखा। इसके बाद झांकी दिखाई गई। झांकी में छोटी बच्चियों द्वारा माँ के नौ रूपों को स्वरूप दिखाया गया। नव दुर्गा समिति के कर्ता धर्ता राम मिलन तिवारी जी द्वारा नव दुर्गा स्वरूप में बैठी झांकी का पूजन अर्चन किया गया। कन्याओं का पैर धुलाकर चरणामृत लिया गया एवं गांव के सभी भक्त गणों ने बारी बारी से मां के नौ स्वरूपों का आशीर्वाद लिया और गांव के संपन्नता और खुशहाली के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। वास्तव में यह कहा गया कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके। सनत अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इन विभिन्न मंत्र उच्चारण के साथ सब लोगों ने मां के चरणों में नतमस्तक किया और आने वाला समय सुख से बीते माँ से सब लोगों ने मिलकर यह वरदान मांगा। हिंदुओं का यह त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही साथ भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम रखा गया। भजन कीर्तन मंडली शिव मंडल किटहाई के द्वारा माँ के सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए। लोगों ने भजन का भी आनंद लिया। नव दुर्गा समिति दुर्गावान पूर्वा समिति के अध्यक्ष राम मिलन तिवारी, जगदीश मिश्रा, सुनील मिश्रा, विपिन तिवारी, गोलू तिवारी, अंकित तिवारी, अमित तिवारी सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहता है और नवमी के बाद भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं सुंदर झांकी का आयोजन किया गया और रात भर जग कर माँ जगत जननी के चरणों में जगराता का कार्यक्रम होता रहा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह दिन बहुत ही शुभ होता है जब हम अपने आराध्य के चरणों में रहते हैं और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए बालमुकुंद साहू की खास रिपोर्ट।